फेज वन की चुनौतियों का सामना करने के बाद हम निकल पड़े अपने फेज टू को शुरू करने, क्योंकि ये दिल है कि मानता नहीं। हमने फेज टू की शुरुआत की मनाली से। What's up guys, it's a great day, it's a beautiful day, और फाइनली आज आप देख सकते हैं असली में मौसम बहुत ब्यूटीफुल है। चार दिन मनाली में रुकने के बाद फाइनली ऑन 27th ऑफ सितंबर सूरज देवता ने दर्शन दिए हैं, एंड आई थिंक नाउ वी कैन किक स्टार्ट अवर फेज टू। तो अभी सीन ये है कि वी आर स्टेइंग इन मनाली राइट एट दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड द मड हाउस। एग्जैक्टली, यू कैन सी दिस इज द प्रॉपर्टी। एक बार फिर हमने अपना बोरिया बिस्तरा जांस्कार में लोड किया टू स्टार्ट द ट्रिप। वी हैव सम ब्रदर्स हियर। हेलो बडी, व्हाट्स योर नेम? अपूर्व। इट्स अ प्लेजर भाई। कहां से हैं भाई? गाजियाबाद। गाजियाबाद आ जाओ सर। आप भी? रोहित। अरे इट्स अ प्लेजर रोहित, यू आर फ्रॉम दिल्ली। स्वीट, कहाँ पे रह रहे हो? सीसु। थैंक्स फॉर कमिंग इन बॉयज, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। टेक केयर सेल्फ, सी यू सी यू। अब इनसे मिलिए। इनको मैंने आपको दिखाया नहीं है, पिछले दो व्लॉग से हमारे साथ हैं। इनका नाम है चिन्मय जैन, ये है मारवाड़ी फ्रॉम गुजरात। सूरत। अरे यार सूरत, सूरत भाई, सूरत इज अ स्टेट, आई नेवर न्यू सिटी। तो भाई गुजरात के बाद सूरत ना। ड्राइव वाज विद अस फॉर द लास्ट 5 डेज नाउ। पांच दिन हो गए, दो दिन स्पिति में, तीन दिन यहां पे। ही इज बीन अ लवली गाय, महीना हो गया। मतलब ही इज नो मोर अ फैन फॉलोअर, आई वुड से ही इज अ ब्रदर नाउ। सो थैंक यू यार। नौ कंट्रीज हो गई भाई, पर ये बेस्ट ट्रिप। ये अलग ही फील थी यार भाई। जिंदगी में पहली बार पता चला बिच्छू वाला पेड़ होता है। हां, इनको हमने बिच्छू बूटी रगड़ी है। अगर जिसको नहीं पता गूगल कर लो क्या क्या करती है। बट कैसा था एक्सपीरियंस भाई? क्रेजी, कभी नहीं भूल सकता ये। एक्सप्लेन करो क्या हुआ था वो बिच्छू बूटी वाले। वो मुझे यहाँ छोटे छोटे ऐसे ब्लिस्टर्स, हाँ ब्लिस्टर्स हो गए थे, खुजली आ रही थी, पता नहीं ये क्या लगा दिया था। और शिवम की मम्मी उससे इसको पीटती थी बेचारे को। आपको भी मार पड़ी है लेकिन। मेरी अम्मा बोलती भाई का बचपन बड़ा ही वाइल्ड था। मनाली से हम निकल पड़े टूवर्ड श्रृंखला, और तीन घंटे की ड्राइव के बाद हमारी फूटी किस्मत ने हमें फिर एक बार हेलो बोला। हमें नहीं पता था, बट 3 बजे के बाद चिस्पा से ऊपर श्रृंखला की तरफ जाना है या उसके आसपास भी नीचे कैंप लगाना, दारचा बॉर्डर बंद है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो 3 बजे से पहले आपको ये बॉर्डर क्रॉस करना है। सो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, वापस आ गए जिस्पा में, जहाँ पे अब हम फिगर आउट कर रहे हैं हम कहाँ रहे। भाई हम दोनों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है यार। मगर सीरियसली फ्लो नहीं बन पा रहा है। आई रियली फील इट। मतलब जो फ्लो था ना जब ट्रिप शुरू करी थी, पूरा टूट चुका है। जो प्लान ऑफ एक्शन बना था, जो आइटनरी बनी थी, उससे तो बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं हम। एंड आगे भी वी नीड टू चेंज द प्लान जस्ट बिकॉज नाउ वी हैव रिड्यूस्ड नंबर ऑफ डेज। पता है क्या होता है, यू नो यू यूज्ड टू ट्रैवलिंग, जब ट्रैवल शुरू होता है तो तुम एक फ्लो क्रिएट करते हो, यू नो तुम एक फील में होते हो, एंड देन अब्रप्ट चीज़ें होने लगती हैं विच वॉज नॉट इन द प्लान, एंड यू स्टिल ट्राई टू स्टे मोटिवेटेड, बट देन यू नो बाय द एंड ऑफ इट यू स्टार्ट फीलिंग लाइक क्या क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, टुमारोज़ अ न्यू डे, वील गेट अप विद मोर एनर्जी, मोर एक्साइटेड टू एक्चुअली टेक ऑन श्रृंखला एंड हो द होल थिंग। हमने थोड़ा टाइम रोड साइड पर ही स्पेंड किया वादियों की गोद में, और वही रात हमने चिस्पा में ही निकाली एंड कॉल्ड इट अ डे। तो हमारा फेज टू का प्लान बटा हुआ है 4 दिनों में, जिसमें पहले दिन हम करेंगे फ्रॉम मनाली टू दारचा। डे नंबर 2 पे हम चढ़ेंगे द हाईएस्ट पास ऑफ दिस सर्किट विद श्रृंखला पास। वहां से गोमो रंजन देखते हुए वी विल रीच पूर्णी गांव। डे नंबर 3 पे हम एक्सप्लोर करेंगे फुक्टर गुम्पा, कम बैक टू पूर्णिया एंड ड्राइव ऑल अवे टू पदुम, जहाँ पे हम अटेंड करेंगे जांस्कार फेस्टिवल। और डे 4 पे वी विल ड्राइव थ्रू जांगला, लिंगचेट, सिरसिरला और पहुंचेंगे स्ट्रेट टू ले सिटी। अगली सुबह की शुरुआत हमने की फ्रॉम जिस्पा और पहुंचे दारचा चेक पोस्ट। दारचा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था श्रृंखला पास। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए इस पॉइंट पे जहां से हम लोग वापस आएंगे। तो आप देख सकते हो वहां लिखा है श्रृंखला, पदुम, कारगिल, और इधर लिखा है बारालाचा, सरचू, तांगरंगला, ले। भाई एक बार थोड़ा क्लोजअप मार लीजिए उसका प्लीज, उसका। हम जा रहे हैं यहां से और हम पूरा घूम के वहां से वापस आएंगे। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ घंटे की ड्राइव के बाद जो हमने स्पिति में पिछले 7 दिन बारिश झेली थी, एंड द माउंटेन टुक फ्रॉम अस, द माउंटेन फाइनली गिव इट बैक, और जो हमने नज़ारे देखे वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तो आप खुद ही देख लीजिए। Can
आप सबका स्वागत है टू द श्रृंखला टॉप 16,580 feet में देख लेते हैं कितना हुआ है 4,881 meters बोल रहे हैं ऑलमोस्ट 5,000 meters के आसपास पे पहुंच चुके हैं एंड दिस इज द ब्यूटीफुल वैली ऑफ श्रृंखला पास सो ये हमारा पहला पास वाइल गोइंग टूवर्ड्स जांस्कर इसको क्रॉस करते ही दिस इज द गेटवे टू जांस्कर वैली दिस इज हिमाचल क्रॉस करते हम जाएंगे जांस्कर में मैं जांस्कर पहले भी आया हुआ हूँ और इस बार जांस्कर इज ओनली द पार्ट ऑफ 4 phases तो हमने थोड़ा टाइम श्रृंखला पर स्पेंड किया और निकल पड़े towards the holy peak of Zanskar Valley, Gomboranjan. और Gomboranjan ने हमारा स्वागत कुछ इस तरह किया. ये सब लोग स्पिति के locals हैं और यहाँ पे practice कर रहे हैं for the Zanskar festival जो कि कल है. दोस्तों जो आपने डांस देखा इतना ऑसम डांस मेरे पीछे हो रहा है बेसिकली सर मिले सर आपको शुभ नाम क्या है जी मेरा नाम रिक्सन सैंपल है यार अच्छा रिक्सन सैंपल जी आप ये है कल्चरल टीम है पदम नगर फेस्टिवल है जी जी मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ हिमाचल के जो जनजातीय क्षेत्र है अच्छा उसमें किन्नौर की टीम स्पीति की टीम और लाहौल की टीम अच्छा तीन टीमों को लेकर हम जा रहे हैं और मीडिया के पूरा बैकअप है हमारे साथ मीडिया के लोग भी है इस लद्दाख फेस्टिवल पदम के कवरेज के लिए जा रहे हैं तो ये हम ये कहाँ की टीम है किन्नौर ये स्पीति की टीम स्पीति की टीम है अरे वाह भी हम स्पीति से आए बहुत बढ़िया जी और वहाँ पे बाकी डंकर डंकर विलेज के डंकर महिला डंकर अरे वाह थैंक यू सो मच सर तो आपसे मिलेंगे डेफिनेटली वहाँ पे बहुत मुश्किल जैसे मैं ब्लॉक करता हूँ बट मजा आ रहा है ऑसम थैंक यू सर तो वी गॉट जस्ट क्विकली मेक अ कॉफी डू सम शूट फिर आगे चलते हैं टूवर्ड्स पूर्णी पे देखते हैं कहीं पे टेंट लगा सकते हैं क्या काम कर सकते हैं पर उससे पहले थोड़ी कॉफी हो जाए ओवरलैंडिंग का असली मजा लोकेशन पे रुक के टाइम लेके चाय या कॉफी बना के चुस्कियां लेते हुए वादियां निहारने की फील की बात ही अलग है पीपल हु हैव मेट मी ऑन दिस जर्नी इफ द किचन वाज ऑन दे वर सर्व्ड विद हॉट टी और कॉफी एवरी टाइम दो तीन घंटे हमने इस पहाड़ के सामने चल करते हुए निकाल दिए Gomboranjan वोरा श्रृंखला पास और यहाँ से हमारा रास्ता बहुत लंबा है आज रात के लिए कैंप करने के लिए हमारे पास है 1.5 घंटे एंड वी गोना डिसाइड कहाँ जाके कैंप करें बट फॉर नाउ लेट्स गो एंड फाइंड अ कैंपिंग स्पॉट यार होम स्टे बिकॉज अब मौसम ठंडा होने वाला है एक बहुत ही अमेजिंग कॉफी सेशन के बाद हम पूर्णी के लिए निकले ही थे कि कुछ लोगों ने हमें रोक लिया हेलो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ काम कर रहे हैं रोड बना रहे हैं रोड बना रहे हैं कब बनेगा जांच करके रोड पूरा दो साल में हो जाएगा पूरा पक्का और टनल भी बनेगा दो साल में चलो बढ़िया बढ़िया चले फिर अब हम बाय बाय ओके थैंक यू झूले झूले आपका नाम क्या आंटी जी आप शर्मा रहे तंजिन है दांत में दर्द है आपका तो इनके दांत में दर्द था इसलिए अब इनको हमें रोका गया रास्ते में और अब शोरी से हमारे बाहर लटके हुए शोरी जरा खिड़की में आके बताना क्या हालचाल है बढ़िया भाई स्लो चलना प्लीज हाँ मैं स्लो ही चल रहा हूँ तो इनको हम छोड़ेंगे टू द नेक्स्ट विलेज जो कि है कुरगेक ना कुरगेक तक छोड़ेंगे एंड देन शोरिस विल कम बैक शिवम को बाहर की ताजा हवा खिलाते खिलाते हम निकल पड़े कुरगेक गाँव की ओर हमने दीदी को झूले बोला और थोड़ी देर बाद हमारी मुलाकात हुई प्रगति से देखिए दोस्तों इसको बोलते हैं प्रगति टावर इन पदम और क्या चीज जिंदगी में जियो ने टावर ठोक दिया है लिखा हुआ है नेम विलेज करके एक देख रहे हो सोलर पैनल्स भी लगाए हैं काफी क्रेजी अगर आप लोग अब आ रहे हो यू कैन फाइंड कॉलिंग नेटवर्क एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत जल्दी आपको यहाँ पे क्रेजी 4G भी मिलेगा और फाइनली हम पहुंचे हमारी कैंप साइट पर which was 1 kilometer from the beginning of the Phuktar train याद है पूर्णी आप लोगों को This is the central point जहाँ से Phuktar Gompa इस नदी के साथ साथ जाके अंदर की तरफ है ये पीछे रास्ता गया पदम को आप देख सकते हैं रोड बन रही है कैसे लैंडस्लाइड कर रहे हैं देखो रुको फेंक रहे हैं सब गिरता हुआ पानी जा रहा है डुडुम डुडुम हमें यहाँ पे मिला है कैंपिंग ग्राउंड समतल जमीन है पीछे घर भी हैं तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स
अब करते हैं कुछ खान पान का जुगाड़, कल हम जाएंगे फुक्तर गोम्पा, then we gonna make it to Padum to actually watch a kick-ass festival. खाना बनाए बावर्ची? Let's go भाई. बावर्ची? बावर्ची तो हम दोनों ही हैं, 5-star level के, 7-star. हाँ दिखाएंगे तुम्हें क्या लाए हम, जीरा राइस नहीं, नहीं लाएंगे, पुलाव बनाएंगे, बनाएंगे है ना, लाए क्या है? 10 liter तेल जा रहा है टंकी में, जानकार हो जाएगी कल खुश. And I think that's the only kind of reserve petrol that you actually really need to get shit done. जब तक गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, शिवम आपको बताएगा कि हम खाने का जुगाड़ कैसे करते हैं ओवरलैंडिंग में. इसमें थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि हम खाते क्या हैं और कैसे हम ओवरलैंडिंग करते हैं. ये MTR की जो पैकिंग है, आकाश भाई देखो जरा. तो तुम्हें ऑल लाइट क्या बात है. तो ये जो MTR की पैकिंग है, ये हमको बचा जाती है भाई. और एकदम मैं शेफ बन जाता हूँ क्योंकि 7-star होटल का खाना तो ऐसे चुटकियों बना लेते हैं. जो MTR का जो वो पैकिंग था उसके अंदर ऐसा एक पैकेट होता है, और इस पैक को या तो आप 3 तरीके से पका सकते हो, या तो आप इसको उबलते पानी में डाल दो, या तो इसको माइक्रोवेव कर लो, या तो आप कढ़ाई में इसको गर्म कर लो. एनीवेज हमको बेस्ट लगता है इसको पानी में 5 मिनट तक डाले रखें. शेफ साहब क्या है खाने में भाई? आप देखो ये बिरयानी टाइप मटेरियल है पूरा, राजमा, आलू मटर, इसके नीचे प्रॉपर लेयर है चावल का, चावल भी वैसे वाले नहीं, सब्जी वाले पुलाव. आप बताओ तुम ओवरलैंडिंग बोलते हैं इसको? पैसों वाली ओवरलैंडिंग है. सो वी आर लकी इनफ टू एंजॉय दी जांस्कर फेस्टिवल बोलूंगा. जांस्कर फेस्टिवल हो रहा है भाई, और पदुम में हो रहा है, और बहुत जगह जगह की टीम्स आने वाली है. स्पीति की टीम आएगी, लाहौल की टीम आएगी, और ट्रेवलर्स में भर भर के आंटियां जा रही है वहाँ डांस परफॉर्मेंस करने. ठीक है, और हम भी वहाँ नाचेंगे फुल पावर. कल रात को वहीं जाने वाले. पेट पूजा के बाद तारों की छाव में मैंने और शिवम ने रात को अलविदा कहा, और अगली सुबह हुई हमारी गोप्रो की धोखेबाजी से. गुड मॉर्निंग गाइस, एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है. आज है डे नंबर 2 हमारा. वी आर इन पूर्णी राइट इन द तो दोस्तों ठंड इतनी है कि गोप्रो की बैटरी बार बार ऑफ हो जा रही है, तो मैं आप लोगों को व्लॉग नहीं कर पाया था. दोस्तों ट्राई नंबर 3, गोप्रो की बैटरी बार बार ऑफ हो जा रही है बिकॉज ऑब्वियसली गोप्रो बहुत ठंडा है. रात को टेम्परेचर गया है -5 तक. तो दिखाता हूँ आपको यार. गैस पॉइंट है कि एंड्यूरो बैटरी मैंने इसमें नहीं डाली आज, मगर सुबह अटेम्प्ट नंबर 11 एंड्यूरो बैटरी सुबह भी नहीं चल रही थी. जब मैं सुबह उठा मुझे लगा चलेगी, नहीं चली. तो गोप्रो अगर सुन रहा है प्लीज एंड्यूरो बैटरी कुछ करो यार. पहुंच गए हैं फाइनली फुक्तर गोम्पा की एंट्री में, और बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट. एक नंबर का ब्रेकफास्ट करने के बाद वी वर ऑल सेट, और हम निकल पड़े फुक्तर गोम्पा हाइक की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर राउंड ट्रिप होगा. फट रहा है, सांस फूल रहा है. पहले हर मॉनेस्ट्री ऐसी होती होगी. एवरी मॉनेस्ट्री यू हैड टू रीच देयर. लास्ट समय आया था ना यहाँ पे, यहाँ के गुरु मंग ने बोला था मुझे सबसे बड़े मंग के कि दीज ट्रेल्स दे टेस्ट योर बिलीफ. आपकी क्या बोलते हैं हिंदी में, भक्ति की शक्ति को देखना चाहते हैं ट्रेल्स. अब तो ज्यादातर मॉनेस्ट्रीज के आगे रोड बन चुकी है, पर फुक्तर गोम्पा इज वन ऑफ द लास्ट फ्यू मॉनेस्ट्रीज इन द कंट्री व्हिच कैन ओनली बी रीच्ड बाय हाइकिंग. सो दोस्तों फाइनली आफ्टर 1 hour 15 minutes हम फाइनली पहुंच चुके हैं फुक्तर गोम्पा की एंट्री में. ये रहा फुक्तर गोम्पा की एंट्री, आपको दिख रहा होगा. हम धर्मशाला से आए हैं. तो दोस्तों फाइनली 1.5 घंटे के बाद पहुंच गए हैं. तो मैं पीछे देख सकते हैं, दिस इज फुक्तर गोम्पा. कैसा फील हो रहा है बड़ी, फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा लग रहा है. क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं देख के भाई? मतलब आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ मोनेस्ट्रीज बट दिस वन इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. वंस यू क्रॉस 2-3 वैलीज, चौथे टर्न के बाद अचानक से सामने
ऊपर एक गुफा दिखती है, वहाँ से बस मोनेस्ट्री ऐसा पूरा स्प्रेड हुआ है। जैसे दूसरे मंक्स ने बताया, मोस्ट ऑफ द गोम्पा के मंक्स हैव गॉन फॉर दर्शन। तो एक ही मंक है यहाँ पे जो ख्याल रख रहे हैं इस मोनेस्ट्री का। देखो ये हालत है कि हम लोगों को बताने के लिए मोनेस्ट्री के डोर पे वेलकम की जगह लिखा है, तो यार अभी भी समय है, सुधर जाओ। चलिए फाइनली। जुली जी अकेली हैं आप? बाकी सब गए? मैं पिछले साल आया था यहाँ पे खाने का, आया था मंक्स के साथ। तो बताइए ये मॉनेस्ट्री कितनी पुरानी है? 700 साल पुरानी है। और इसका ये जो ऊपर गुफाएं बनी हुई हैं, ये पहले से थी? इनमें पहले मेडिटेट करते थे? पहले से ही थे। पहले से गुफा थी, तो कोई बैठ के मेडिटेट नहीं किया? कोई मेडिटेट किया ना? हाँ। अच्छा, ये रास्ता ऊपर को जाते हैं गुफाओं को, ये या बंद कर दिया वो रास्ता? कौन सा रास्ता? ऊपर जाने का गुफाओं में, पीछे से जाना पड़ता है पहाड़ चढ़ के। अच्छा, और ये पीछे सामान स्टोर करता है बर्फ के लिए। सो फॉर विंटर्स ये लोग यहाँ पे लकड़ियाँ स्टोर करते हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बना रहे, घर भी बना है छोटा सा इन साइड दिस प्लेस। और ये देखो गुफा, देखो आप सो मैजेस्टिक। गोम्पा का ये गेस्ट हाउस, यहाँ पे आपको रूम मिल सकते हैं इफ यू गाइस वांट टू स्टे एट द नाइट, खाने मिल जाते हैं। बेस्ट पार्ट यहाँ पे वाईफाई है, पूरे वैली में कहीं वाईफाई नहीं है, यहाँ पे वाईफाई है, गेस्ट कैन यूज वाईफाई इफ दे हियर एंड स्पेंडिंग द नाइट। सो यू नो क्विकली हैव सम चाय कॉफी, हिट द रोड, क्योंकि मुझे पहुंचना आज पदुम, क्योंकि पदुम है आज फेस्टिवल। समय हो रहा है 1 बजने वाले, 9 बजे चले थे, जगह ऐसी है, अब 2 घंटे में वापस पहुंचेंगे बाय 2, और 4 बजे तक पदुम पहुंच के चलते हैं फेस्टिवल पे। एक बार फिर हमने पहाड़ों का विकराल रूप देखा। यहाँ से कुछ पदुम अब है ऑलमोस्ट 30 कुछ किलोमीटर, एंड पक्की रोड शुरू होने वाली है, सो वी ऑलमोस्ट कम 50 किलोमीटर्स ऑन रोड लाइक दिस, बट आई वांट टू शो यू दिस, यू सी दैट, ये लग रहा है कल रात को गिरा है क्योंकि तरपाल और ये, तू वो देखना गहरा कितना है, पूरा ट्रक समा गया, गहरा बहुत है। आई होप ड्राइवर बच गया होगा, बच ही गया होगा, अगर कूद गया होगा तो भी होगा। खराब रोड, भीड़, ट्रैफिक और टाइम से लड़ झगड़ के हम फाइनली पहुंचे पदुम टू अटेंड द ज़ांस्कर फेस्टिवल। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं ज़ांस्कर वैली में, अब हमें पदुम में, व्हिच इज द सेंटर, दैट्स द सेंटर ऑफ दिस होल प्लेस, एंड जस्ट वांट टेल यू वन थिंग दैट आज है यहां पे ज़ांस्कर फेस्टिवल, एंड वी हैव जस्ट कम, मी एंड शिवम, वी बोथ हैव कम टू अटेंड दिस। अभी हम थोड़ा लेट हो गए, बट आई थिंक इन द मॉर्निंग टाइम इट वुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, बट वी आर अ लिटिल बिट ऑन द कैमोफ्लेज मोड। डिड यू शो देम द व्यू? आई डिड, दिखेगा यहां से, व्हाट यू कैन सी, इट्स क्रेजी यार, थोड़ी देर पहले यहाँ पे चांद भी था, आई डोंट नो वेयर इट गो। So basically it's a cultural festival, it has 3 combinations, one is people from different cultures of Buddhism, Ladakh, Spiti, yahan se log aa rahe to attend, jo aapne dekha tha when we were in Zanskar Valley, something awesome going on over there, to wo bhi humne jo group of ladies dance kar rahi thi, so they also came here to actually experience this, but for now let's get going, go. अगली सुबह हुई एक और गलती के साथ, मैंने गोप्रो को गलती से टाइम वॉर्प मोड पे डाल दिया, और जो रात को हमारे साथ कांड हुआ एट दिस होम स्टे दैट वी हैड टू स्टे, जहाँ पे हम ड्राइंग रूम में सोए, उसकी पूरी कहानी बताई। तो अब हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स ले यूजिंग द जांगला हाईवे। ले पहुंचने से पहले सबसे जरूरी काम अपने पेट्रोल टैंक को फुल करवाना, और आप लोग भी जब इस रास्ते पे जा रहे हो तो प्लीज पदुम में फुल टैंक करा लीजिए बिफोर यू हिट द जांगला टू ले हाईवे। चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन कराई, और फिर कुछ 3 घंटे के बाद बारी आई फुल पावर ऑफ रोडिंग की।
जैसे कि आप देख सकते हैं सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था और फिर जांस्कार ब्रेकडाउन नहीं हुई है। हुआ क्या है कि जो मैंने बिमरा से लगाया था स्किट प्लेट वो आगे का स्किट प्लेट गिरा और नीचे से स्किट प्लेट बाहर आ गया और तो ये थोड़ा विजिबल स्किट प्लेट हो गया। स्किट प्लेट लगी हुई थी। अब व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम स्किट प्लेट खोल दें। शिवम क्या सीन है? टाइट है बहुत नट। टाइट तो नहीं है भाई। प्लास वगैरह पड़ा है कुछ गलती से? प्लास नहीं है यार। कुछ भी नहीं है ऐसा? नहीं जिससे मैं ऊपर का नट पकड़ सकूं। प्लास नहीं है? हाँ नहीं। अगर 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 लूज हो गया तो ऊपर का भी लूज हो जाएगा ना। हाथ से पकड़ सकता है तो उसको मत लूज करना फिर ऊपर का लूज कर। किसी और का हाथ जाएगा ना मेरा नहीं जाएगा ना। तो ये बोल रहा हूँ गाड़ी घुसाते हैं दोनों घुसते हैं। अभी सुन ये मत खोलना यही तो गलती कर रहा है। ये वाले ये तो प्लेट जॉइंट है। प्लेट जॉइंट तो है पर आगे की जो प्लेट है ना उसका ये बोल्ट है उसके ऊपर एक नट है। अगर लूज हो रहा है तो हम उसको पकड़ नहीं सकते ऊपर से हाथ से। तो वो कुछ तो चाहिए ना पकड़ने के लिए। ये पकड़ेगा 12 नंबर 13 नंबर और हमारी पूरी स्किट प्लेट गिर गई। दो नट खुले हैं 20 मिनट में। सॉरी फॉर द अब्यूज। हवा टाइट है थोड़ी भाइयों की। शिवम व्हाइट पजामा गंदा तो नहीं होगा? घुसो भाई अंदर। आंखें बचा के अभी रेत गिरेगी। शिवम हाँ हाँ ऊपर है ट्रक्स ऊपर का ऊपर खींच 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 और ऊपर बस। और हम ट्राई कर रहे थे कि पूरी स्किट प्लेट निकाल लें ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों एक नट खुला है अब लास्ट हो जाता है। अशोक इसके लिए तू मेरे सर के ऊपर से आ मैं तो ला के देता हूँ। छोटा ये छोटा वाला है उसको लूज कर ले पहले। ये लूज नहीं है बिल्कुल क्योंकि अभी लूज नहीं है। एक घंटा हो गया मैं यहाँ पे। ठीक है निकाल नट। डन डन डन। शिवम मेरे 6 नट निकाल लिए। शिवम शक्ल दिखाओ बाल दिखाओ हालत देखो। मैं आपकी दिखाता हूँ रुको। आखिरी अब क्या है हमने ना प्लेट को जैक पे रखा है तो अगर सब सही है तो पूरा नीचे गिरेगा। आफ्टर 2 आवर्स हमने अपना सारा सामान रैप अप किया और इतनी गंदी हालत में तो मैं बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाने वाला था। तो हम उतरे सीधा नीचे जांस्कर नदी के साथ। वाओ बीच ला 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 ला। अपना हुलिया सुधारा और 1.5 घंटे के बाद दोबारा अपनी जर्नी टू ले चालू करी। आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग इट इज पार्ट ऑफ ऑफरोडिंग। ठीक है जांस्कर वाजंट द प्रॉब्लम द स्किड प्लेट वाज द प्रॉब्लम। बिमरा 4x4 वेरी गुड जॉब विद द नट्स। आगे वाले पता नहीं क्यों स्नैप करके पीछे आ जाओ तुमने ऐसे कसे थे गाड़ी पलट जाए स्किड प्लेट कहीं ना जाए। व्हाट वी डू इज जनरली इन हिमाचल इफ वी सी समवन इन ट्रबल वी जस्ट स्टॉप। हां ये वाला सीन तो बुरा था। वी जस्ट आस्क देम कि इज एवरीथिंग ओके यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प यू नीड फूड यू नीड गियर्स और समथिंग लाइक दैट। भाई 3 गाड़ियां गई नो वन गिव इज ए बाइक वाले ने पूछा बस। वो भी उत्तराखंड का बंदा था विच वाज सो स्वीट ऑफ हिम। धूल से नला दिया था हमने उसको आते हुए खैर बट स्टिल ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड अस। कोई बात नहीं दोस्तों दिस इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स। तो अब बता दो शिवम सिचुएशन क्या है आप सबके लिए। जो आप ये रोड देख रहे हो ना ये रोड सीधे जा रही है चिलिंग को। चिलिंग है और आप चिलिंग जाओगे ना ले में तो वहाँ पे होती चादर ट्रैक। यही वो जांस्कर नदी है जो चिलिंग जाती है। अब क्या सीन है ना बीआरओ वाले इस रोड को काटने की कोशिश कर रहे हैं पिछले बहुत सालों से 4-5 साल से रोड कट नहीं रही है। 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है एंड इसका यू स्ट्रेट वे रीच टू चिलिंग एंड चिलिंग से आप ले पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ से ले भाई मरे से मरा 80-90 किलोमीटर है मतलब जब ये बन जाएगा जब ये बनेगा। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अब श्रृंखला पास टनल बन रहा है ना वो इसलिए बन रहा है दिस विल बी ऑल सीजन हाईवे क्योंकि यहाँ कोई पास नहीं है श्रृंखला का टनल फिर ये पूरा सीधा सीधा एनीवे। अब हम जाएंगे यहाँ से टूवर्ड्स लेफ्ट एंड वी विल गो टूवर्ड्स लिंगशिट एंड वहाँ से हम चढ़ेंगे 2-3 पासेस एंड देन वी विल गेट डाउन। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ से आपको टेक्निकली ऊपर जाना है। ये रोड भी बनी नहीं है ठीक है। और यहाँ पे हम आए चाय स्टॉल पे खाना खाने क्योंकि आज तो हम लेट होने वाले हैं ले पहुँचने में। झूले जी झूले कौन से दाल चावल मिलेगा आज?
हाँ जी क्या मिलेगा? इधर मेरे का दाल चावल मैगी चाय। दाल चावल है तो दाल चावल बना दो। दाल चावल खाने के बाद कुछ इस तरह हमने रोड हिट किया। पूरे दिन के स्ट्रगल के बाद इट टुक अस 3 डेज टू फाइनली क्रॉस द जांस्कर वैली। दिस इज वेयर आवर फेज 2 ऑफ द ग्रेट हिमालय एक्सपेडिशन एंड्स एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेक यू ऑन द फेज 3 इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। जय हिंद। ओके यहां पे रहो, यहां पे आओ। इन 3 2 1 बस 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 बस